ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीएस अगर कांस्टिया। स्वागत है आपका इस सेशन में। और आज स्टार्ट करने वाले हैं अपन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो अभी जस्ट बैच स्टार्ट हुआ, उसके पहले मैं लाइव वालों से बात कर रहा था कि भाई मुझे लाइफ में दो ही चीजें आती है और दो ही चीजों पर मैंने प्रैक्टिकली काम किया है, एक कॉस्टिंग और दूसरा एफएम। सो इंटर में भी मैं कॉस्टिंग एफएम पढ़ाता हूं, सीए फाइनल में भी मैं कॉस्टिंग एफएम पढ़ाता हूं। तो फाइनल में उसका नाम है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एंड फाइनल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इंटर में जो सब्जेक्ट है वो है कॉस्टिंग एंड एफएम। सो ये दोनों चीजें चल रही है। वाह, थैंक यू सो मच हर्षी। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग सब लोग को देख के। फर्स्ट सेशन, आई वी ऑल एक्साइटेड। नहीं भाई अर्नब, हमारे को यही दो चीजें आती है, इंजीनियरिंग नहीं आती है। चलो ग्रेट, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। अगेन फुल चांस टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, एंड बस यही मेरा मोटो रहेगा दैट वो जो 150 मार्क्स है ना आपके, वो 150 मार्क्स में से मेरी इच्छा है कि मैं आपको पूरे 150 दिलवा ही दूं। बस मेहनत उतनी करेंगे आप भी मैं भी, बाकी तो एज वी से दैट वील डू आर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट, राइट। सो तो क्या लगता है आपको क्या होगा इस चैप्टर में? सर प्रैक्टिस में सीए को सब फील्ड्स का नॉलेज होता है क्या? मेजरली ऑडिट और टैक्स का नॉलेज होता है उनको, मेजरली ऑडिट और टैक्स का नॉलेज काफी अच्छा होता है उनका, वैसा है। चलो सर एफएम के लिए एस्टीमेट पे कितने पेज की नोटबुक बनानी होगी? देखो एक नोटबुक तो अपन लोग रखेंगे फॉर्मूला प्लस स्टूडेंट नोट्स के लिए, ठीक है ना, उसमें खाली फॉर्मूला लिखेंगे अपन, स्टूडेंट नोट्स लिखेंगे भर भर के, तो वो एक नोटबुक हो गई। और उसके अलावा दो से तीन नोटबुक अपन लोग यूज करेंगे, ठीक है, तो वैसा सिनेरियो रहेगा। चलो अब अगर आप लोगों को पता हो तो जैसे मैंने कॉस्टिंग में सब्जेक्ट को चार फेजेस में डिवाइड किया है, वैसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी फेज में डिवाइड किया गया है। जी हां, सो अपन कर रहे हैं पेपर नंबर 6A ऑफ सीए इंटरमीडिएट, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आप एक ऐसे बंदे से पढ़ रहे हो हु हैज अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ 4 years इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोबल फाइनेंस इंडस्ट्री, एंड somebody जिसके पास से आप आगे जाके AFM भी CA फाइनल में पढ़ने वाले हो। सो दैट इज गोइंग टू बी एन एडेड एडवांटेज बिकॉज अपना एक वेवलेंथ तब तक ऑलरेडी बन चुका होगा, एंड देन इट्स ओनली गोइंग टू बी पॉजिटिविटी, ठीक है। चलो सो आइए स्टार्ट करते हैं अभी अपन लोग इस कहानी को, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कहानी को, ठीक है। इसको भी मैंने क्या किया है, कुछ फेजेस में डिवाइड किया है, एंड वो मैं आप लोग के साथ अभी डिस्कस करना चाहूंगा। आइए लेट्स राइट इट डाउन। सो देखो इसमें है ना दो चीजें होती है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं फाइनेंस को मैनेज करना। ये वर्ड फाइनेंस सुन के आपके दिमाग में क्या आता है? कम ऑन, लेट्स आस्क यू ऑल, वर्ड फाइनेंस सुन के क्या आता है? मैनेजमेंट तो पता है अपने को, चलो उसका तो जवाब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, फाइनेंस वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है बोलिए? कम ऑन एवरीवन, पैसा, अपना सपना, मनी मनी, एकदम सही बोला सबने, एकदम सही जवाब दिया सर, पैसा ही पैसा, मनी ही मनी, एंड एक्चुअली फाइनेंस इज ऑल अबाउट दैट ओनली, मनी मनी मनी, अपना सपना, करेक्ट, मनी मनी, यही है फाइनेंस, अपना सपना, मनी मनी, रोकड़ा, जेबात, इन्वेस्टमेंट, मनी, सही बोला। बट बुजुर्गों का कहना है, बुजुर्गों का कहना है, आप पूछिएगा अपने घर पे भी बुजुर्ग होंगे आपके दादाजी या जो भी है, उनका कहना है कि
पैसा कमाना आसान है बट उसको मेंटेन और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। उसको मेंटेन और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, एंड सो ट्रू इज दैट फैक्ट कि चलो एक बार मेहनत करके या नसीब अच्छे खुल गए, चलो पैसा कमा तो लेंगे, बट अगर ये चीज साथ में नहीं है देन इन दैट केस आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। अब आप लोग से वो गलती ना हो और आपके क्लाइंट से वो गलती ना हो, इसके लिए सीए इंस्टीट्यूट बोलती है हम पहले से ही आपको ये सब्जेक्ट करवाना चाहते हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आया तुम लोग को? डन। सो ये जो पैसा कंपनी कमाती है, मैं बोलता हूं कंपनी ही क्यों, कंपनी के साथ आप भी जो पैसा कमाते हैं, क्या वो पैसा उड़ा देंगे? आंसर इज नो। उसको मैनेज करने को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इस सब्जेक्ट का अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे, इसको अगर आप फोकस नहीं रखेंगे, देन इन दैट केस पैसा आपका सम्मान नहीं रखेगा, याद रखना। एंड इस चीज के लिए दो उदाहरण है, उनसे बड़े उदाहरण और क्या ही हो सकते हैं। एक है मिस्टर मुकेश अंबानी एंड दूसरे है मिस्टर अनिल अंबानी। क्या अपन इन दोनों को जानते हैं? द आंसर इज यस। श्री धीरूभाई अंबानी के देहांत के बाद रिलायंस के प्रॉपर्टीज का बंटवारा हुआ, मुकेश को दिया 50%, अनिल को दिया 50%। आज मुकेश ने इस 50 को कर दिया है 250, अनिल ने इस 50 को कर दिया है 0। पैसा तो दोनों को मिल गया, पैसा तो दोनों को मिल गया था ना, पैसा तो दोनों को मिल गया। बट जस्ट लुक हियर हाउ टेबल्स टर्न। एक ने पैसे को मैनेज किया, मुकेश भाई ने संकल्प सर को बुलाया, सीखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है और फाइनेंस को मैनेज किया, वो ही अनिल हो गया। अनिल हो गया, क्या नाम है ना उनके, मुकेश। मुकेश के पास पैसा ही पैसा है, मुकेश, और अनिल हो गया, नील। चल अनिल जी पे नहीं असर हो, मैं तो खाली एक नाम बता रहा हूं आपको कि ऐसा है। और ऐसा नहीं है कि अनिल जी में दिमाग नहीं था, वेरी श्रूड, वेरी स्मार्ट पर्सन, बट यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप नहीं करेंगे देन इन दैट केस दिस इज वेयर यू लैंड अप। एंड यही अगर आपने सही तरीके से सही जगह पे सही लोगों को पैसा दिया है, फिर देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रोथ व्हिच विल हैपन। ठीक है? यस गाइस। सो यस, मुकेश एंड अनिल। चलो अरे तो क्या हुआ इन लोगों के साथ, क्या हुआ, क्यों हुआ, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं। दैट देखो इसमें एक ही चीज है, फाइनेंस का मैंने आपको मतलब पूछा, आपने बोला सर पैसा, आपने बोला सर पैसा, मैंने बोला बिल्कुल सही, मैंने कहा बिल्कुल सही। दो ही चीज इसमें अपने को देखनी होती है इस पूरे सब्जेक्ट में, पैसे का इनफ्लो और पैसे का आउटफ्लो, बस और कुछ नहीं देखना है आपको, पैसे का इनफ्लो और पैसे का आउटफ्लो। जी हाँ, यस। सो पैसे का इनफ्लो तो हो जाएगा बट अगर अगर ये इनफ्लो के बाद आउटफ्लो को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, अनिल भाई जैसा, अनिल भाई ने का यही प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने इनफ्लो तो आने दिया, वो तो ले लिया 50% जायदाद में हिस्सा, बट उसके बाद आउटफ्लो को वो मैनेज नहीं कर पाए और आज देवालिया जैसी हालत है, मतलब बैंकरप्सी के वर्ज पे है वो। और वही मुकेश भाई
हाँ बढ़ते जा रहे हैं, बट अब आने वाला जनरेशन मुकेश भाई के बाद अनंत भाई और क्या नाम है उसका, उसके भाई का नाम क्या, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी, ईशा अंबानी, ये लोग के पास भी अभी आने वाला है पूरा का पूरा सत्ता। अब ये लोग कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये लोग मेरे पास क्लास के आएंगे के लिए आएंगे कि नहीं मुकेश भाई जैसे, देखते हैं भाई। आ गए अपने लिए क्लास के बाद तो अपन उनका मैनेज करवा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। अब अनिल भाई ने बोला है मैं मेरे बेटे को आपके पास भेजूंगा संकल्प सर, आप उसका पूरा का पूरा अकाउंट मैनेज करवा देना। बोला अरे अनिल भाई क्या बात करते, कोई टेंशन की बात नहीं है, वाह है ना। चलो सो क्या करना है अपने को यहाँ पे, फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंस, मनी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैनेजमेंट। इनफ्लो किसका, मनी का, आउटफ्लो किसका, मनी का, इन दोनों के मैनेजमेंट को कहते हैं करेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ए समझ गए, डन गाइस। चल ठीक है सर, गौतम अडानी ने भी आपका ही लेक्चर अटेंड किया था। अरे अब मैं क्या अपने ही मुंह से बोलूं यार, तुम लोग समझ जाओ यार, होशियार हो तुम लोग। चलो ठीक है ओके, नाउ चैप्टर्स के ऊपर आते हैं अपन लोग कि भाई इनफ्लो है। अब देखो मैं कैसे चैप्टर का नाम डिराइव करूं, मैंने क्या बोला इनफ्लो और आउटफ्लो के मैनेजमेंट को कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सुनना, इनफ्लो आया, अब क्या बोला इनफ्लो आया, इनफ्लो कहां से आएगा, ऊपर से गिरेगा पैसा, क्या लगता है आपको, चलो बताओ आपको क्या लगता है पैसा ऊपर से गिरने वाला है। ये जो मुकेश अंबानी ने इतना जियो है, जियो रिलायंस जियो 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, कहां से आया बोलो, कहां से आया। सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जी हाँ। एंड ये जो सोर्स है, ये सोर्स कौन से हैं, ये आप मुझे बताएंगे, सोर्सेस मतलब इनफ्लो कौन से हैं, ये आया कहां से पैसा। तो भाई रिलायंस जियो में पैसा तो वो आज कमा रहा है, प्रॉफिट तो वो आज कमा रहा है, बट प्रॉफिट तो बाद की बात है, उसके पहले मेरे को फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कहां से पैसा आएगा, सौमिया आप बोल रहे हो अर्निंग, बट अर्निंग के पहले मुझे फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, तो फैक्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा कहां से आएगा, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, क्या है वो, क्या है वो आप लोग मुझे बताओगे। बैंक लोन, वेरी गुड। और कोई सोर्स जिससे पैसा कमा सकता हूं, पैसा मिल सकता है मेरे को, कमा नहीं सकता बट पैसा जिससे मैं जुगाड़ कर सकता हूं, पैसा मिल सकता है जिससे मेरे को। एंजल इन्वेस्टर्स, इक्विटी, वेरी गुड, यही सब जवाब सुनना था तुम्हारे पास। इनहेरिट किया कुछ, हराम का पैसा खाएगा अरोड़ा जी। चलो सो इनहेरिट आप करोगे तो कितना ही करोगे यार, बट मार्केट में इनहेरिटेंस के पैसे से नहीं रखते, वो तो आप साइड पे रखते हो एज अ सिक्योरिटी, इनहेरिट किया हुआ पैसा तो एज अ सिक्योरिटी आप रखते हो, बट अदर देन दैट आपको जरूरत पड़ती है इक्विटी शेयर कैपिटल की, आपको जरूरत पड़ती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सुना है ये सब क्या होता है, ये सब डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, वेरी गुड। आजकल तो एंजल इन्वेस्टर्स का पैसा है, करेक्ट, फिर और कुछ, और कुछ पैसा आपको लग रहा है, डिबेंचर्स, वेरी गुड, बराबर है। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से सुनना, कह रहा इससे मेरे को पैसे की जरूरत है, इनफ्लो की जरूरत है,
तो मेरे पास ये जरिए है सोर्सेज ऑफ कैपिटल लाने के, इक्विटी शेयर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, किसी ने बोला है बॉन्ड्स, क्या बात है, ये सारा जो पैसा है। अब मेरे को चाहिए टोटल 10,000 रुपए, मेरे को चाहिए 10,000 रुपए। मैंने कहा ये 10,000 रुपए मैं कहां से लाऊं, मैंने कहा ये 10,000 रुपए मैं कहां से लाऊं, तो मेरे पास चार ये है, तो अब क्या करूं, 2,500 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2,500 ये, 2,500 ये, 2,500 ये, या 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, ऐसा करूं, क्या करूं। वो डिसीजन जो लेना होता है ना, उसको कहते हैं फॉर्मिंग अ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो सोर्स ऑफ कैपिटल तो पता चल गया, बट कौन से कैपिटल से कितना पैसा जनरेट करना है, क्या बोला, कौन से कैपिटल से कितना सोर्स ऑफ फंड जनरेट करना है इज कॉल्ड अपना फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ऐसा फर्स्ट चैप्टर ऐसा नहीं बोलूंगा, बट मैं आपको बोलूंगा कि एक चैप्टर का नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। ए समझ गए, क्या 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 कनेक्शन समझ रहे हो, क्या कनेक्शन समझ रहे हो, कनेक्शन समझ रहे हो। देखो क्या है, क्या कौन सा सब्जेक्ट का नाम क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो पहले वर्ड को उठाते, फाइनेंस। फाइनेंस क्या है, पैसा, और कुछ नहीं है फाइनेंस, मैं बोल रहा हूं हार्ड कोर पैसा। तो पैसा आता भी है जाता भी है, बुजुर्गों ने कहा है आ तो जाएगा, बट उसको जो प्रॉपरली मैनेज करेगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंस करना, मैनेज करना, उसको कहते हैं, उस चिड़िया का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसमें मैंने बोला कि चलो भाई पहले इनफ्लो की बात करते हैं। तो इनफ्लो की जब मैंने बात की, तो मैंने बोला सर क्या क्या जरिए है मेरे पास वो इनफ्लो जनरेट करने का। तो मेरे पास जरिया है इक्विटी, प्रेफरेंस, एंजल इन्वेस्टर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एटसेट्रा। बट ये सब जगह से अगर मैं पैसा जनरेट करता हूं, तो कितना किसमें से लू, पूरा का पूरा 10,000 इक्विटी, 5,000 इक्विटी, 5,000 डेट, 2,000 इक्विटी, 2,000 डेट, 2,000 एंजल इन्वेस्टर। वो जो डिसीजन है, उस डिसीजन को क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, एंड दैट इज योर चैप्टर नेम। ए समझ में आया, चैप्टर क्या है, क्या होने वाला है इस चैप्टर में। क्या होने वाला है इस चैप्टर में, बोलो बोलो, चल चल, समझ में आ गया। एग्जैक्टली, ये डिसाइड करेंगे कौन से कैपिटल से कितना सोर्स ऑफ फंड जनरेट करना है। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस। कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन लेना है। अच्छा, अब दूसरा इसी से कनेक्टेड, दूसरा इनपुट पे फोकस है और कैपिटल कौन सा क्या लेना है वो, अब इसी से कनेक्टेड कि भाई चलो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इक्विटी से 2,000 चाहिए, डिबेंचर से 5,000 चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से 1,000 चाहिए, और बचा हुआ एंजल इन्वेस्टर से और 2,000 चाहिए। तो 10,000 रुपया मेरे पास जमा हो गए। अब मेरे को बताओ, ये लोग जो कैपिटल दे रहे हैं, क्या वो फ्री में देने वाले हैं, क्या बोलो, फ्री में देने वाले हैं क्या ये लोग कैपिटल। अगर फ्री में नहीं देंगे तो क्या होता है फिर, तुम लोग मुझे बताओगे। तो फ्री में नहीं दे रहे मतलब क्या, तो डिबेंचर्स अगर हो रहा है, या इक्विटी शेयर वाला, इक्विटी शेयर कैपिटल पैसा दे रहा है, अपन उसको इक्विटी शेयर दे रहे हैं, देन क्या होता है वो। हाँ, वो तो मुझे वर्ड चाहिए कि ठीक है, तो इन लोग सब लोग को मेरे को कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को कुछ देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा। वेरी गुड प्रत्यांशी, वेरी गुड नानी, वेरी गुड पलक। पब्लिक का जवाब आया है सर आज की तारीख में तो सग्गा भाई भी दूसरे सग्गे भाई को फ्री में कुछ नहीं देता, तो ये अगर आपको पैसा दे रहे हैं तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे डिविडेंड, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे इंटरेस्ट, ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उसी चीज को कहते हैं, उसी चीज को कहते हैं सेकेंड चैप्टर, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये
जो मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया मैंने, बट ये फोकट में नहीं आएगा, ये कैपिटल के लिए कितना खर्चा होने वाला है, इज माई नेम ऑफ द सेकेंड चैप्टर एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अर्णव धवन पूछ रहा है व्हाट आर एंजल इन्वेस्टर्स, सब बताऊंगा मैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल के लिए तू खाली इतना समझ ले इट इज अ सोर्स ऑफ कैपिटल। समझे क्या? सेकेंड चैप्टर मैंने कैसे डिराइव किया, ये जो कैपिटल आ गया है उनको रेगुलरली इंटरेस्ट डिविडेंड देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट डिविडेंड कितना देना पड़ेगा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, समझी गुड एवरीबॉडी, बोलो बोलो, चल चल यार। ठीक है चलो, अब इन सब का मेरे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, यू कैन से इन सब का ओवरऑल मेरे वेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरे एक्सपेंसेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसको उसको कहते हैं कि भाई चलो कैपिटल तो आ गया, कॉस्ट भी निकाल लिया, अब इन सब की वजह से मेरे पूरे ओवरऑल पीएनएल और इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसको कहते हैं लेवरेजेस। क्या कहते हैं उसको? लेवरेजेस मतलब लेवरेज का मतलब होता है एक पुली, जैसे वो हैंडपंप देखा है, गदर में हैंडपंप होता है, तो वो हैंडपंप को कैसे बने, ऐसे ऐसे करते हैं तो पानी निकलता है, तो वो जो हैंडपंप का जो डंडा है ना उसको बोलते हैं लीवरेज, उसको बोलते हैं लीवर, उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं लीवर। तो जब आप हैंडपंप को नीचे करोगे तो पानी निकलेगा, जब आप हैंडपंप को ऊपर करोगे तो पानी बंद हो जाएगा, वैसा ही कुछ यहाँ पे है, कैसे आप कैपिटल को ऊपर नीचे करोगे तो उसका इंपैक्ट आपके प्रॉफिट वेल्थ और एक्सपेंसेस पे क्या होगा वो आपको बताएगा लेवरेजेस। गदर, गदर याद है, ये 2.5 किलो का हाथ है, उठेगा तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो उधर वो जो हैंडपंप का वो जो होता है ना डंडा, उसको बोलते हैं लीवर। तो हैंडपंप के डंडे को नीचे करो पानी चालू, ऊपर करो पानी बंद, तो आपको क्या करना है, पानी चाहिए पानी नहीं चाहिए, लीवर के ऊपर डिपेंड करता है आपको। वैसे ही प्रॉफिट बढ़ाना है, वेल्थ कम, एक्सपेंस कम करना है, वेल्थ बढ़ाना है, क्या करना है, लीवर, लीवरेज यूज करो, लीवरेज यूज करो। कैसा लगा कनेक्शन, कैसा लगा कनेक्शन, ए बोलो बोलो, चल चल, समझ में आया। चैप्टर नंबर 3 का नाम याद रहेगा, तीनों चैप्टर याद रहेंगे, ये पूरा बनता है आपका एक फेज जिसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, ये है आपका एक फेज, ये बनता है आपका एक फेज जिसको कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन फेज, के पैसा कहां से जुगाड़ करेंगे, फाइनेंसिंग समझे क्या, बोल दो ना हाँ या ना। हाँ डन, सो चलो ये फेज समझ में आ गया, कनेक्शन भी समझ में आ गया, खुद से अपन लोग पूरा इधर तक जो भी है समझ में आ गया, खुद से दिमाग लगा के कर पाएंगे अपन, ये पूरा बना पाओगे, डन। अब कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, चल अब कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, अब आते हैं दूसरे फेज के ऊपर, फेज 2 के ऊपर। तो ये जो फेज था ना, ये इनपुट वाला फेज था, पैसा आ रहा है, अब थोड़ा समझते हैं आउटपुट वाले फेज को, कि भाई पैसा जा रहा है, आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो ले लेते हैं इसको, अब पैसा जाएगा, अब ध्यान से सुनना, अब सुनो, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन से पैसा आ गया है, जो भी उनका कॉस्ट है उनको उनका कॉस्ट अपन दे देंगे, लेवरेज के हिसाब से मैंने अपना प्रॉफिट वेल्थ भी एक्सपेंस कम कर दिया, प्रॉफिट वेल्थ भी अच्छा कर दिया है, अब मुझे धंधा करना है, अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है,
ये प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं के नहीं करूं, ये प्रोजेक्ट में मैं इन्वेस्ट करूं के नहीं करूं, वो जो डिसीजन है, वो जो डिसीजन है जो कंपनी को लेना पड़ता है, दैट इज योर नेक्स्ट चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, और इसको प्यार से प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है कि भाई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। इसी का एक और सब पार्ट हुआ करता था इन योर इंटर, जिसका नाम है रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल इन कैबज, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। आपको पता है इसको क्या कर दिया, इसको ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू सीए फाइनल, नो मोर इन इंटर। जी हाँ, तो डन साइड पे। तो अभी फिलहाल अपने को प्रोजेक्ट, अभी पैसा आया है, पैसे को आउटफ्लो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, बट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके क्या उतना रिटर्न मिल रहा है क्या, वो कौन बताएगा। प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसका नाम क्या है चैप्टर का नाम, कैपिटल बजटिंग। समझ में आया। अब चलो कैपिटल बजटिंग करके डिसाइड कर लिया मैंने कि कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। हाँ, एक तो कम हुआ बट उधर बढ़ गया। तो अब कैपिटल बजटिंग कर लिया, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चला, हमने बोला कैपिटल बजटिंग करके कि इसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट किया और अब बहुत सारा पैसा आ गया। अब जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो वो क्या करती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को दे देती है, राइट। तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, अपने पास रखना है, कुछ टाइम बाद देना है, देना ही नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, उसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजन, जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन। एंड चलो भाई, अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैनेज कर लिया है, पैसा आ गया है, डिविडेंड जब जितना देना है वो अपन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये लोग इतना इजीली डिविडेंड नहीं देती है, ये लोग बोलती है हमारे पास जो पैसा आया है ना, हम उसको री इन्वेस्ट करके और अच्छा कुछ बड़ा करेंगे। जैसे मेरे पास अभी अगर पैसा आया है, मैं एप्पल कंपनी हूं तो मैं iPhone 15 लाया हूं ना, मैं अभी iPhone 20 लाऊंगा, तो पैसा उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैं पैसा उसमें डाल दूंगा, उससे और पैसा कमाऊंगा, और पैसा आएगा और उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा और कुछ करूंगा। फिर फाइनली मुझे लगा चलो अभी मेरे पास और कुछ जगह नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं डिविडेंड देके बात खत्म। सो एक डिसीजन लेना पड़ता है, डिविडेंड देना है नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है, ये बताएगा। एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस फेज इज कॉल्ड एज, देखो ये सब ठीक है, बट अगर डेली बेसिस पे आपके पास आपका मैनेज करने के लिए, समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको 10 करोड़ का घर देता हूं जिसको आप बेच नहीं सकते, या 10 करोड़ रुपया कैश देता हूं, आप क्या लोगे। ऐसा सोचो, आपके पास एक पैसा भी नहीं है, आपके पास दुनिया में एक पैसा भी नहीं है, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, 10 करोड़ का घर या 10 करोड़ कैश। सबने बोला है सर 10 करोड़ कैश लेंगे, उसमें से 6 करोड़ का घर ले लेंगे, पर 4 करोड़ एवरीडे घर के खर्चे के लिए भी तो चाहिए सर, 10 करोड़ का घर तो ले लिया बट उसको चलाने के लिए अगर पैसा ही नहीं होगा तो फायदा क्या। तो अपन ने इतना अच्छा बिजनेस और सब तो सेटअप कर दिया बट उसको चलाना भी तो पड़ेगा, और वो चलाना पड़ता है आपको डे टू डे मनी से। तो ये डे टू डे मनी मैनेजमेंट को कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। विच इज डे टू डे मैनेजमेंट
ऑफ कैपिटल। ए समझू। डन। चलो सो डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ फंड जिसको कहते हैं। गॉट इट। ये हो गया अपना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। समझ में आया फेज टू। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? पहला, अरे पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, क्या बात है, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर। जितना इजीली सर आप लिख रहे हो उतना इजीली हो भी जाएगा। अरे 100% हो जाएगा। अब ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में और बाइफरकेशन है, रिसीवेबल मैनेजमेंट है, कैश मैनेजमेंट है, देखेंगे। बट अभी के लिए ये 6 चैप्टर। अभी क्लियर एवरीबॉडी? क्या ये आपको समझ में आ गया? बोलो यार। डन। ओके, ये हो गया मेरा फेज टू। अब आ जाते हैं अपन लोग, अब आते हैं अपन लोग फेज थ्री पे। अब भाई मुझे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड दैट इज कॉल्ड एज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस हेल्प्स टू एनालाइज, हेल्प्स टू एनालाइज अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन, अ कंपनीज फाइनेंशियल पोजिशन। सो रेशियो एनालिसिस से क्या होता है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन के बारे में पता चलता है। बॉस सही कर रही है कि नहीं कंपनी? मालूम पड़ा बहुत सारा डेट ले लिया, लोन ले लिया और अर्निंग इनकम ही नहीं है तो अपन तो गए। तो ये सब अपने को कौन बताएगा? रेशियो एनालिसिस। प्लस इसके साथ है टू थियोरी चैप्टर्स, टू थियोरी चैप्टर्स। बहुत इजी से चैप्टर्स है, सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। क्या है ये 3 थियोरी चैप्टर? पहला है आपका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड दूसरा टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, समझ में आई बात? तो टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 6, फिर 7, 8 एंड 9। सर ये रेशियो वाला चैप्टर 12th में भी था? वही वाला, वही वाला, वही वाला। सर एफएम में भी थियोरी है? हाँ भाई, 7 चैप्टर प्रैक्टिकल है तो 2 चैप्टर थियोरी है भाई, करना पड़ेगा। 10 मार्क थियोरी भी आएगा एग्जाम में, बोल देता हूं मैं। और ये सब को मैनेज करने के लिए, जी हाँ, आपको मिलेगी हमारी बुक जिसका नाम है ऑप्टिमाइज। प्लस इसमें भी अपने को फोकस करना है एमसीक्यू पे। प्लस तुम लोग को मैं लिखवाऊंगा मैजिक बुक नोट्स। जी हाँ, तो आप लोग ने अगर कॉस्टिंग लिया हुआ है तो आपको पता ही है कि अपनी जो ऑप्टिमाइज है इट इज अ लीथल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट एनी स्टूडेंट वांट्स, विच इज मॉड्यूल, एमटीपीस, आरटीपीस, पास्ट पेपर्स, एक जगह जब जमा हो सारे मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट पेपर्स। यस सर, 12th में तो ढंग से समझ में नहीं आया था, ऐसा हर्षमीत बोल रहे हैं फॉर रेशियो एनालिसिस। हर्षमीत जी, अब देखिए आप इसमें चैंपियन बन जाएंगे। समझना तो दूर, चैंपियन बना दूंगा मैं आपको। और जब ये इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार कभी इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, मैं आपको बता सकता हूं ये 9 चैप्टर्स में से एटलीस्ट 5 से 6 चैप्टर्स डेली बेसिस पे कवर होते हैं, डेली बेसिस पे। यस,
कौन सी कंपनी कितना कैपिटल रेज कर रही है, कितने में रेज कर रही है, कैसे उसका प्रॉफिट वेल्थ एक्सपेंस चेंज हो रहा है, नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाली है क्या, कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया, कैसे वो अपना वर्किंग कैपिटल डेली बेसिस पे मैनेज कर रही है, क्या उस कंपनी के रेशियोज है जिसके बेसिस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या कंपनी का स्कोप है, कंपनी का कैसे फाइनेंसिंग हो रहा है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, अभी आपके लिए थोड़ा अर्ली डेज है, मैं वो भी बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं इसको, कैसे पढ़ना है, क्या है क्या नहीं, बट एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके मेरे पास आना, एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके। खाली बस FM पढ़ना है, 50 में से 50 लाने करके निकलना है, नहीं, वो तो बट ऑब्वियस है, वो तो मेहनत करके लाएंगे ही, मैं आपके ऊपर पर्सनली मेहनत करूंगा, वील गेट इट, बट कैसे इस सब्जेक्ट को एक अपने DNA में, अपने खून में घुसाना है, और फाइनल पे यू शुड बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट, एंड देन आप इसमें एक करियर बना सकते हो, करियर। ऐसा सीन है अपना ओवरऑल, समझ में आया गाइज आप लोग को, ये अंडरस्टैंडिंग में किसी को कोई तफ्लीक, क्लियर है सब लोगों को चीजें, एक्साइटेड है आप लोग ये सब्जेक्ट के लिए, डन, ऑसम। चलो गाइस, सो आई होप ये 9 के 9 चैप्टर्स लॉजिकली दिमाग में घुस गए होंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना क्या है, पैसे के ऊपर फोकस, अरे भाई वही तो अपना सपना है, उसी के लिए तो हम ये डिग्री लेने आए हैं, ताकि पैसा कमा सके, बहुत सारा पैसा कमा सके, और इतना सारा पैसा जो अपन लोग कमा रहेंगे अपना सपना मनी कर करके, उसको मैनेज करना है, वो मैनेज करने के लिए हमारे पास ये सब्जेक्ट है जो सर सिखाने वाले हैं। पहला हमारा चैप्टर आया सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जितना भी पैसा आएगा उससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे मुझे कितना खर्चा लग रहा है वो कैपिटल को लाने के लिए वो पता चलेगा, और फिर उसके बेस पे मैं प्रॉफिट वेल्थ एक्सपेंसेस को ऊपर नीचे कैसे करना है वो डिसाइड करूंगा यूजिंग लेवरेजेस। फिर आएगा मेरा प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिसीजन कैपिटल बजटिंग, अब बहुत सारा पैसा आ गया है, रखूं कहीं और इन्वेस्ट करूं, डिविडेंड के फॉर्म में दे दूं, डिविडेंड डिसीजन, रोज एवरीडे डेली ऑपरेशनल वर्क के लिए भी तो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एंड देन कोई भी कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना है तो कैसे डिसीजन लू इन्वेस्टमेंट का, रेशियो एनालिसिस, एंड फाइनली 2 थियोरी चैप्टर्स, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग। ओके ओके ओके, चलो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं गाइस, हैड अ ग्रेट टाइम विद ऑल ऑफ यू, वेरी एक्साइटेड नाउ टू टेक दिस जर्नी अहेड, एंड मैं बता रहा हूं बहुत मजा आने वाला है आपको ये सब्जेक्ट करने में, एंड यस आपका फेवरेट बना दूंगा, क्योंकि आगे जाके फाइनल में भी ये 100 मार्क्स के लिए आने वाला है, तब मुझे और आप लोग का बोलते हैं ना एक एक्साइटमेंट चाहिए, बाकी इसको भी थोड़ा मैं ध्यान में रख के आप लोग को बताते रहूंगा क्या यहाँ पे चल रहा है क्या नहीं, सो दैट आप इससे भी कनेक्टेड रहे, सब्जेक्ट से कनेक्टेड तो रहेंगे, बाकी सारी चीजें तो अपन करने ही रहेंगे। ठीक है, चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट ऑडियंस, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।